बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय खोजत ब्रह्मा थके सुन नर मुनि और शेष। अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे ताकि दुबदा जाए। दरअसल साहब के शब्दों में गूढ़ रहस्य है, उस तक मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब कुछ लोगों ने शब्द का मतलब भौतिक शब्द मान लिए। अब वो कह रहे हैं दो शब्द हैं, एक है धुनात्मक एक है वर्णनात्मक, दोनों तो एक ही हुआ, चलो हम दो मान रहे हैं। वर्णनात्मक वो शब्द हैं जो हम बोल रहे हैं, ऐसी व्याख्या दी। धुनात्मक अनहद शब्दों को कहा। अब वो उस अनहद शब्दों को ही सच्चा नाम बोल रहे हैं, कुछ मत बताना था। अनहद शब्दों को ही परमात्मा बोल रहे हैं और उसका हवाला संतों की वाणी से काफी लंबा दे रहे हैं। पर साहब क्या कह रहे हैं, शब्द शब्द सबको कहे, शब्द न चीने कोए, शब्द न चीने कोए, शब्द है सुनने के बारा। भाई सभी शब्द शब्द बोल रहे हैं, शब्द न बूझे कोए, स्रोत तो शब्द विदेह है। अब पहली बात है ये विदेह शब्द क्या है, जो हम शब्द ये बोल रहे हैं ये माया भी है, भौतिक है। इन शब्दों में दो धातु है, एक है वायु तत्व एक है पृथ्वी तत्व। आप देखिए जब इंसान बोलता है तो मुंह से वायु निकलती है, और पृथ्वी तत्व का है कंठ में 16 स्वर है, कोटिश्वर चक्र है, वहां से आवाज उनके द्वारा साउंड आ रही है श्वास और मुंह मिलकर। अब देखो मैंने यूं किया तो साउंड नहीं निकला, ये इंटैक्ट किया है मैच के साथ में तो सब शब्द। इस तरह वो हमारी वायु वो खोटस दल कमल कहलाता है, वहां जब पहुंचती है तो साउंड निकला। जो अंदर में आवाजें हो रही है अनहद धुने, वो कह रहे हैं ये सच्चा नाम है, कभी नहीं। लोग भ्रमित है, वो कह रहे हैं वही सच्चा नाम है, वही आनंद है, वही आंतरिक नाम है। अब यहां साहब अपेक्षा कर रहे हैं, आप गौर करो ना, और कंप्लीट ऐसे लोगों के लिटरेचर में कबीर साहब समाया हुआ है अंदर, पर उन्होंने लोगों अपना लटकाया हुआ है, कबीर साहब का नाम नहीं है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये अनहद मर जाती है। सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब यहां प्रूफ दे रहे हैं, फिर कौन सा शब्द हुआ वो कहन सुनन से जा रहा है, सो तो शब्द विदे है। अब पहले ही पैदान पर उनकी ये बात कट गई, जिन दोनों को सच्चा नाम बोल रहे हैं साहब कह रहे वो तो खत्म हो जाता है, वो तो अभिलाषी है परमात्मा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। वो एक स्थिति है, बौर गुफा में शब्द हो रहे हैं संतों ने, वो एक पॉइंट बोली है, उनको सच्चा परमात्मा नहीं बोला।
जो अंदर में धुने हो रही है वो नाड़ियों के संयोग से। मैंने कई बार बोला आप दोनों मुठ्ठियां और दांत जोर से बीचो तो आपको अंदर में धुने ज्यादा सुनाई देगी। और हमारी नाड़ियां बाकी सब चीजें काम कर रही है, इसलिए ये जो शब्द की घोर चहोड़ते हैं होते हैं, ये जो झनकारें हो रही है ये भौतिक है। दूसरी जगह फिर साहब क्या कह रहे हैं, सो सद्गुरु मोहे भावे, जो आवागमन नसाए, आंख न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनहद उलझाए। बोले अनहद धुनों में भी नहीं उलझाए भाइयों। इसी तरह अटकल बच्चों की जोड़ी तोड़ी बातें लेकर के अपना काम चला रहे, नाम, वो नाम साहब क्या कह रहे, वो इन्हीं को नाम क्या रहना, ये तो फिर धुनात्मक जो हुआ इसमें तो माया है, ये माया भी नाम है। कहन सुनन से नहीं आ रहा है, अब नाम के बारे में क्या कह रहे हैं साहब, लिखा न जाए, लिखने में नहीं आता है। पढ़ा न जाए, पढ़ने में भी नहीं आता। कहा न जाए, कहना हम कहा न जाए, सुना न जाए, इसका मतलब है कहन सुनन से वो अलग है। आप इन्हीं दोनों को सच्चा नाम सच्चा परमात्मा बोल रहे हैं। जो राइटर्स हैं उनको सिर्फ उन्होंने विद्या का इस्तेमाल किया, उनको आंतरिकता का कोई ज्ञान ही नहीं है। यहां साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं, अंधा अगवा तहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाए। इसलिए वो सार शब्द, किसी से मैंने पूछा भाई सार शब्द क्या है, बोला गुरु ने बताया बोलना नहीं है। वाह शाबाश। मैं पूछता हूं अनंत अपना सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलती है, कहते ये भी कहा है गुरु ने बताना नहीं। चलो ठीक है, ये तो अच्छा जवाब है बड़ा, पता नहीं सिर्फ ये बोलते जाओ। वाह। वहां से जुड़े बहुत से लोगों से जो मुझसे रिक्शा लिए, उनसे मैं पूछा भाई आप तो आप हमारे हो गए, आप ही हमें बताओ। बोला गुरुजी कख नहीं पता हमें, कुछ नहीं, बस वैसे ही हम मगन रहते थे वहां, हमें नहीं पता। वो तो आपके पास आने के बाद हमें ये चीज जानकारी। इसी तरह इसमें बड़ी शंकाएं हैं। अब दूसरी अध्यात्म जगत में जो लोगों में शंकाएं हैं वो सुने। मेरे पास जब भी कोई आदमी आकर बातें करता है अध्यात्म की, तो मैं उससे पूछता हूं तुम अध्यात्म जगत में अगर गए हो तो किस द्वार से गए, किस मार्ग से गए, किस खिड़की से, वहां गाड़ी अटक जाती है। मीन पपील व्यंगम, उनको यह भी नहीं पता है। मीन मार्ग में आदमी अपनी श्वासाओं में अपना ध्यान एकाग्र करते चलता है, पपील में धीरे 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 अपने ध्यान को उठाता है, व्यंगम में ये संत के पास है। एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब न आए। कुछ लोग तो आकर मुझे जब वहां सतलोक की बातें करते नाना मत मतांतरों के, मैं पूछता हूं सतलोक देखा है, तो उनका जवाब होता है हाँ। मैं बोलता कैसे गए, बस वो पढ़ी लिखी बातों के अनुसार कहते हैं ऐसे 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 गए। फिर मैं उससे पूछता हूं अगर वो कहे मैं अपनी ताकत से गया, तो मैं बस वही बात खत्म कर देता हूं, ये झूठा नंबर वन है। मार्ग में 70 प्रलय मार्ग माई, बिन सदगुरु को इच्छा न पाई, ये कतनी करनी से परे है, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंधु को। ठीक है ध्यान भजन तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई अपने पौरुष से जा नहीं सकता।
कोई अपनी कमाई से नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऋषिश्वर तन काया को लकड़ी किया, वो खोज नहीं पाए। तो दूसरा उनका ये आता है उत्तर, अब वो कहते हैं फिर मैं पूछता हूं, फिर गए तो वही फिर रिपीट करते हैं, ऐसे ऐसे मैं गया। गलत। एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब ना आए, वहां पर इतना अट्रैक्शन है उस तत्व में, जैसे कंसंट्रेशन पूरा वहां किया वो वहां होगा, यहां होगा ही नहीं। मैं हर बात की एक साक्षी गवाही देता हूं, इसलिए साहब कह रहे सूरज से देख सकी वह देश। इस तरह कई लोग तर्क वितर्क करने वाले मेरे पास पहुंचते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक और बात बताई थी, एक हिमाचल से आया, बड़ा इंटेलिजेंट बन रहा था और काफ़ी साहब की वाणी पर उसका रिसर्च था। जहाँ जहाँ मैं कुछ बोलता था वो टोक देता था। वो संभवतः थोड़ा लोगों में अपनी प्रसिद्धि चाहता होगा, खैर कोई बात नहीं, प्रसिद्धि चाहिए तो कोई बात नहीं है। मैंने उनसे दो तीन सवाल जब पूछे, उसको कोई भी पता नहीं था किस रास्ते से आना है, कैसे जाना है, आपने साक्षात्कार किया या नहीं किया, गाड़ी अटक गई। जब मैंने थोड़ा बहुत दिया उसी समय मुझसे वो दीक्षा बोला, मैं अभी दीक्षा ले। ये थोथा ज्ञान जो होता है ये अहंकार से उत्पन्न होता है। कहे कबीर ये सैन गंगा तणी होए गुंग तो समझ पाए। मैं आपको एक बात, ये अहंकार से बात नहीं बोल रहा, मेरे पास फैजाबाद के सेठ रामचंद्र जी एक भद्र व्यक्ति को लाए, बोला गुरुजी ये वाइस चांसलर रहे हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, पीएचडी है, बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे। मैंने उनसे पूछा पीएचडी किस पर की है, कबीर साहब पर। वाह, मैंने कहा आज तो मुझे एक भेदी आदमी मिल गया, इनसे थोड़ी बात कर लेता। जब कुछ प्रश्न हुए तो हौसला प्रसाद सिंह जी उनका नाम, वो काफी प्रभावित हुए, कई चीजें मैंने बोली, आधा पौन घंटा उनसे सत्संग हुआ। ये मैं अहंकार कुछ नहीं बोल रहा हूं। पता है उन्होंने क्या कहा, 5 साल रिसर्च करने पर जो ज्ञान नहीं मिला आपने मुझे 5 मिनट में ज्ञान दे दिया। ये कोई एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं बोल रहा है, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोल रहा है। आप नेट पर भी देख रहे हैं, ये उज्जैन यूनिवर्सिटी विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। तो कहने का मतलब यह है समझेगी कत एक है, जिन समझाते हैं छोड़। कहे कभी ये बीच ही बलक और की ओर, विज्ञान कभी यहां नहीं पहुंच सकता है, ये अवस्थाओं का खेल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं प्रज्ञावस्था, नाना मत मतांतरों में कह रहे हैं हम प्रज्ञावस्था में जाते हैं। वाह, प्रज्ञावस्था तो बड़ी अच्छी अवस्था है। जब मैं पूछता हूं प्रज्ञा में कहां कैसे जाते हो, मैं उलझुल बातें नहीं करता हूं, उनका जवाब उपयुक्त नहीं मिलता है। प्रज्ञा के बाद महाप्रज्ञावस्था है, इसको सदोकड़ी भाषा में प्रज्ञा को कहते हैं, तुरिया अवस्था। इसके बाद फिर महाप्रज्ञा को कहते हैं तुरियातीत। आइए आपको मैं बताता हूं अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। जागृत अवस्था में मन का आवाज आंखों में, अभी आप बैठे हैं ये जागृत अवस्था, ये कर्म ज्ञान इंद्रियां पूरा पूरा काम करती है। खेल यही है,
निद्रा में ये कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं काम करती है, दूसरा शरीर मिल जाता है। प्रज्ञावस्था में और सुषुप्ति में अभी जागृत में है ये इंद्रियां काम करें, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। पहले मैं अवस्थाएं बताऊंगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरियातीत। ये जागृत अवस्था है, आप सब कुछ समझ रहे हैं। दूसरी है स्वप्न, स्वप्न अवस्था में ये कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं काम करती है, ये चीज हो जाती है, एक आंतरिक शरीर काम करता है। इसलिए जब आप स्वप्न में चले जाते हैं अपने इर्द गिर्द की सभी चीजें देखते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं देख पाते हैं। आपकी आत्मा का वास जागृत में होता है, आंखों में। स्वप्न अवस्था में कंठ के पास एक कोशिका है जो बाल से भी हजार गुना ज्यादा सूक्ष्म है, बाल से हजार गुना उसमें निवास हो जाता है। आप अपने जीवन काल में अनेक बार उस अवस्था में गए हैं, पर आपको पता नहीं कैसे गया। वाह, ये कौतुक है। इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है। आप स्वप्न की दुनिया से आपका बहुत गहरा संबंध है, हजारों बार आप इस अवस्था से निकले हैं, इस शरीर से निकले, उसमें गए पर पता नहीं चला। वहां उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप दुनिया देखते हैं और सब कुछ सच लगता है। वापस भी आ जाते हैं, ना आपको जाने का पता चला ना आपको वापस आने का पता चला, क्या रहस्य है। तीसरी है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में आदमी का कंसंट्रेशन नाभि जल में पहुंच जाता है, अभी से 1000 गुना कम चेतना होती है। इसको मूर्छा अवस्था, महामूर्छा अवस्था भी कहते हैं, इसको कामा भी कहते हैं, इसको गहरी नींद भी कहते हैं। मैंने प्रूफ ऑफ इवन में भी आपको ये एग्जांपल दिया था। इस अवस्था में जाने के बाद जब आदमी जागृत में आता है तो काफी देर तक उसको ये नहीं पता होता है मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं। इसको दूसरे शब्दों में गहरी नींद भी कहते हैं। चौथी अवस्था है तुरिया। तुरिया अवस्था में ये वो अलग अवस्था हो जाती है। ये तुरियावस्था सुषुम्ना में जाने के बाद बनती है, तब ये तीनों शरीर की पूरी पूरी प्रक्रियाएं बंद हो जाती है। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप एक निकल जाते हैं। तुरियावस्था में आप सुषुम्ना में पहुंच जाते हैं। पांचवी अवस्था है तुरियातीत। तुरिया में अभी से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होता है, इसलिए योगी लोग इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। और उस अवस्था को प्राप्त करके सिद्धि और शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। पांचवी है तुरियातीत अवस्था, ये शून्य में पहुंच जाता है, जहां मन अति गौण हो जाता है,
अब छठी अवस्था सुनना, इसको कोई नहीं जानता। इन अवस्था में वैज्ञानिक नहीं जा पा रहे, ऋषि मुनि भी नहीं जा पा रहे, साहब जिक्र कर रहे। और वेदों में शास्त्रों में इन्हीं अवस्थाओं का उल्लेख है। अब साहब क्या करें, तुरिया अतीत ताह के पारा, हा तुरिया तीत, तुरिया तीत ताह के पारा विनती करें तह दास तुम्हारा। इन रहस्यों को कोई भी नहीं खोल रहा है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु चारों वेद कहानी। रटी रटाई बातें, चार बात वहां से ली, दो वहां से ली, ले लेकर अपनी मिक्स दुकान चला रहे। यहां साहब अपेक्षा कर रहे हैं, अंधा अगुआ तह पर माही, भाव अंधे तह पीछे जाई। अंधा मिल अंधे को पेलिया, दोनों परे कोप के माही। इसी प्रकार इंसान के पास छह शरीर हैं। अब तुरियातीत पर मैं आगे बोलूंगा। पहला शरीर है स्थूल शरीर, अवस्था चेतन, इंद्रियां काम कर रही, ये शरीर बैठे या स्थूल अवस्था शरीर। दूसरा है सूक्ष्म, आपको नींद में प्राप्त होता है, जिससे आप सभी चीजें देखते हैं। तीसरा है कारण, ये कारण शरीर है, बड़ा अजीब है। कभी कभी आप देखते हैं इंसान बैठा हुआ है, लेकिन बॉडी लोंगे से लग रहा है कि ये यहां पर नहीं है। इसमें सूरत और मन दोनों मिलकर कहीं अलग चले जाते हैं। इसको कहते हैं भाई किसी सोच में डूबा हुआ है। आप उसे झकझोरते हैं, कहां तो वो यूं हो जाता है, वो वहां से लौट आया उस शरीर से और इसमें आ गया। अब यहां की घटनाओं को देख रहा है, पहले नहीं देख रहा था। जहां स्थूल शरीर था वहां की गतिविधियों से वो अनजान था बस, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था कि ये आदमी यहां नहीं है। चौथा है महाकारण शरीर, इसमें साधक क्या करता है, पूरे कंसंट्रेशन को आज्ञा चक्र में ले जाकर के इकट्ठा कर देता है। ये चक्र शोधन चक्र बोधन में आता है। और एक पूरी ऊर्जा एक जगह आ गई, पूरे शरीर से अपनी पूरी आत्म ऊर्जा समेट कर आज्ञा चक्र में लाया। और जो कुछ देखता है उस समय चेतना बहुत बढ़ जाती है, रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, कल्प शक्तियां प्राप्त हो जाती है, पर यह बहुत कम जानते हैं और पाखंडबाजी ज्यादा चलती है। बस बात यह है माया मुंबई से और खबर कहे मोरे भाई। पांचवा है ज्ञान देही, वो समस्त इंद्रियों को पूरा साथ देता है, सभी चीजों से बिल्कुल एकाग्र होता है और ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्ममय होता है। फिर कहता है अहम ब्रह्मस्मि। इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऋषि मुनि इसी मुकाम की प्राप्ति की कोशिश करते। छठी है विज्ञान देही, ये योगेश्वर लोग प्राप्त करते हैं सिर्फ। इस विज्ञान देही में एक चेतन सत्ता से मटती है पूरी, ये छह योगेश्वर जानते हैं,
ये शरीर बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कार्य कर सकता है, बिना आंखों के देख सकता है। इस शरीर का उल्लेख कई जगह आता है। साहेब वाणी में कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु सहस शिष्य शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले जाओ, दोनों बूढ़े बापरे बैठ पत्थर की नाव। अंधा अगवा ते हैं परमाई, भवन देते हैं पीछे जाए। ऐसा होता है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी क्रियाकलाप पंथ के विरुद्ध थे, उनको मैंने निकाला। उनमें से तीन चार आदमी, दो तीन आदमी नामदान दे रहे हैं लोगों को, और भोली वाली पब्लिक वहां पहुंच जाती है। इसी तरह गुरु जी के भी कुछ शिष्य थे, उनमें से छह सात आदमी अपनी मर्जी से नामदान दे रहे थे, पर वो आखिर में चोट खाते हैं। वो कैसे चोट खाते हैं? एक था वैद्य, वैद्य काफी बुजुर्ग था, उसका झोला झपटा उठाने के लिए एक मुंडू था। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी वैद्य से पूछता भी था, वैद्य नाड़ी देख करके बता देता था तुम क्या खाते हो, क्या बीमारी है। एक दिन मुंडू ने कहा कि वैद्य जी आपको ये कैसे पता चलता है क्या खाया? और लोग तब भरोसे में आ जाते। उसने कहा अरे बेवकूफ, तुझे बताता हूं, सुन, बोलना नहीं किसी। पहले जिस मरीज के कमरे में जाओ, उधर देखो क्या पड़ा है, कैसा पड़ा है। मैंने उसको क्यों कहा कि ये मूंगफली खाना बंद कर, उसके इर्द गिर्द मूंगफली के छिलके उलके थोड़े से देखे थे मैंने। मुंडू दूसरे दिन वैद्य के पास नहीं गया। दो तीन दिन जब नहीं गया, वैद्य ने बुलाया, बोला मैं अभी खुद वैद्य बन गया, मैं तुम्हारा पूरा दाव समझ जाऊंगा। अब उसने क्या किया, एक घर में गया तो मरीज की चारपाई के आसपास कहीं थोड़ा भूसा पड़ा था। उसने नाड़ी देखकर बोला तुम भूसा खाते हो, भूसा खाना बंद कर। घर के लोगों ने उठाई छोटी कुट कुट कर भगा दिया उसको, बोला तू कौन सा वैद्य, भूसा आदमी का है। यहां भी नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, उनको अकल ही नहीं है, इधर से उधर उधर से उधर अटकल पच्छू। तो बंधुओं, वो विज्ञान देही का उल्लेख है, बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंधु तेरी याद करे पल भर में वो बहुत सिंध तरे, इसका उल्लेख आता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा। आप सोचे तो सही ना, ये विज्ञान देही योगेश्वर लोग प्राप्त करते, इसके द्वारा जहां चलना होता है वहां पहुंच जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार को वो वहां से अंतर ध्यान होकर उस समय गया। मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी, इस तरह शरीर छे। अब साहब क्या करें, इसके आगे भेद हमारा जाने का कोई जाना ना रहा। ये विज्ञान देही से ये जीव सूरत सागर के आसपास तक पहुंच सकता है, मानसरोवर तक आगे नहीं जा सकता। तो यहां भी मन होता है, जब उस सूरत सागर से गुरु कृपा से आगे जाता है, मन वहां छूट जाता है, तो वो सूरत की देही हंस रूप होता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, यहां साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, झूठे बनिज की झूठे सो पूंजी सबन मिलहारी, नर को नहीं पड़ती तुम्हारी। ये झूठ की तरफ लगा हुआ है, खट दर्शन मिल पंच चलायो त्रिदेवा अधिकारी। ये खट दर्शन भक्ति का संचालन क्षेत्र, जोगी जंगम सेवड़ा कर्म कांडी सन्यासी दरवेश, बोला इसी राह पर दुनिया चल रही है। राजा देश बड़ो परपंचो रैयत रहत उजारी, यानी इस देश का राजा
मन है, रैयत जनता को इसने भ्रमित किया। इतने उत्ते इत रहो जबकि शांत सवारी। जो कभी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही, जैसे बंदर को बाजीगर रस्सी डालकर घर घर दौड़ाता है, इस आत्मा को नाना शरीरों में दौड़ाया जा रहा है। साहिब की वाणी में बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे स्वान आपन अपावन राजी क्यों लागी संसारी, जैसे कुत्ता बमन करता है, इंसान बमन करता है उलट कर फिर खा लेता है, ऐसे ही ये जीव लगा हुआ है। कहे कबीर अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी, अजम ले छुड़ाए काल से जो करे सूरत संभाली। अब यहां सूरत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं साहब। सूरत से देख सकी वह देश, जो कुछ है वो सूरत है। यानी आपके ऊपर अगर काई लगी हुई है तो मन की, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा कोटा होए, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला कोटा होए। आपकी सुरती पर आवरण है मन का, ये जल्दी नहीं जा रहा है। सुहागा सोने को चमकाता है, तेजाब चांदी को, इस तरह ये नाम रूह को साफ करता है। अब नाम पर भी दुनिया के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अकह नाम सो कहा न जाए लिखा न जाए, इस तरह ये छह शरीर है। अब नाम 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 सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। सो तो नाम विदे कहा न जाए लिखा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है, वो इन तत्वों में नहीं आता है। आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं आत्म तत्व, यानी आत्मा भी कुछ वस्तु है ना, पर ये पंच भौतिक तत्वों से हम परिचित हैं, वो आत्मा इन पंच भौतिक तत्वों से परे है। आपने एक उल्लेख और भी सुना होगा परमात्म तत्व, वो इन आंखों से इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता किसी भी कीमत से, बस सूरज से जाना जा सकता है। आप देख रहे हैं वैज्ञानिक लोग खगोल की क्रियाएं ब्रह्मांड में देखते रहते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रही, उनके पास ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जो आंख से 10 लाख गुना ज्यादा देखते हैं। फौज में दूरबीने दूरबीने थी, इंफ्रारेड सिस्टम दूरबीने भी थी, हमने उनका प्रयोग किया। 5 किलोमीटर पर खड़ा हुआ आदमी ऐसे लगेगा कैमरे के पास ही खड़ा है। इस तरह अंतर दुनिया आप इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते हो, जब गुरु एक दृष्टि देता है तब इंसान देखता है। लोग इन चीजों को समझ ही नहीं रहे। औरन को समझावते मुख में पड़ गए रेश, वाह 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 साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में बड़ा साफ। क्या कहूं कुछ कहा न जाए लिखा न जाए पढ़ा न जाए, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब अधू बेगम देश हमारा है, जो पहुंचा जानेगा भाई कहन सुनन से नहीं आ रहा। ये रहस्य दिए हैं साहब ने दुनिया को। तीर तुक्के की बात नहीं गई, पहले वाले 6 शरीरों का भी उल्लेख किया है, पूरे ब्रह्मांड का उल्लेख कबीर साहब की वाणी के अंदर है। सब शरीरों का उल्लेख भी किया, आगे जब कहा तो कुछ जानकारी रखते थे, आप ऐसे ही कह रहे हैं। पर ये दुनिया संतों झूठे जगपति आए। कोपर निकलस ने जब पहला वैज्ञानिक था जिसने पहले बोला था धरती घूम रही है, न्यूटन तो बाद में उठाया, तो कोपर निकलस को फांसी की सजा, मौत की सजा दी थी। इस तरह साहब ने जब उन देशों की बात की तो पूरा
जो भौतिकवाद का मजमा था और निर्गुण सर्वगुण वाला पूरा मचल गया, विरोध किया। सुकरात ने भी जब कुछ तत्व की बात की तो वहां के लोगों ने सुकरात के खिलाफ साजिश रची, पाखंडी तबके ने, अंतोगत्वा सुकरात को मौत की सजा दिला दी थी। ये तो दुनिया जानती है, कबीर साहब को 52 कसनी थी दुनिया नहीं जानती है, सिकंदर शेख तकी ने दी थी, उबलते हुए तेल में छुड़ाया, कुएं में गिरकर फेंक कर बंद कराने की कोशिश की, पागल हाथी के सामने दे दिया और पहलवानों से मुग्धर से हमला करवाया, सांपों से डसवाया, शेर की कोठरी में भेजा, ये सब उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज धुन पकड़ी, कबीर अनपढ़ था, ये कहकर दुनिया को भ्रमित किया, जहां से आया वहां से बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं कबीर साहब ने ऐसा नहीं बोला, जहां से आया वहां से अटपट वाणी कबीर की झटपट लगी न जाए, अटपट कहते हैं टोए टिप्पे, जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए। तो बंधु इस तरह साहब ने एक अद्भुत ज्ञान संसार को दिया। कल मैं इसी कड़ी में आगे आपसे बातचीत करूंगा, अभी समय हो रहा है साहब ने की।